नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्वेश तिवारी और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। हाल ही में आपने देखा होगा कैसे बिहार में मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए महाबैठक हुई। उस महाबैठक में तमाम विपक्षी दल एक साथ एकजुट हुए, लेकिन इस बीच एक सवाल खड़ा हो गया कि ये महाबैठक देश के विपक्षी पार्टी यानी कि केंद्र में मौजूद सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए थी या फिर देश के संविधान और देश की सेना को हटाने के लिए थी। क्या ये सवाल हम नहीं खड़ा कर रहे, ये सवाल जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के वो ट्वीट खड़ा कर रहे हैं जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी से दुश्मनी निभाने के चक्कर में सेना के खिलाफ जहर उगलती दिख रही है। या जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती अक्सर ही अपने बयानों से केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर रहती है। इस बीच उनका पाक प्रेम भी जग जाहिर है और इस बीच कैसे वो लगातार सेना पर हमलावर रहती हैं आप सभी ने देखा होगा। जी हाँ, वो सेना जो बॉर्डर पर खड़े होकर अपनी जान को हथेली में रखकर हमारी और आपकी सुरक्षा करती है, वो सेना जो जम्मू कश्मीर की जनता की सुरक्षा को मुहैया करवाने के लिए दुश्मनों से बेफिक्र होकर लड़ जाती है, अब उसी सेना पर लांछन लगा रही हैं महबूबा मुफ्ती। यहाँ अब एक बार फिर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर तो किया ही है, साथ ही सेना पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। बीते दिन शनिवार को महबूबा मुफ्ती ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर एक ट्वीट किया था। ट्वीट आपको हमारे स्क्रीन पर दिख रही होगी। अपने ट्वीट में ही पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने ये आरोप लगाए हैं। जरा आप भी देखिए महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने जो ट्वीट किया था उसमें सेना पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि पुलवामा की एक मस्जिद में सेना के जवानों द्वारा घुसकर मजबूरन मुसलमानों से जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। आगे महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सेना ने ये काम उस वक्त किया जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ मौजूद है। महबूबा मुफ्ती ने सेना द्वारा किए गए इस काम को बदले की कार्रवाई करार दिया और कहा कि ये यात्रा से पहले घटित हुआ जो कि बदले और उकसावे की कार्यवाही है। अब जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस घटनाक्रम के लिए लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को टैग किया और इस मामले की जांच की अपील की है। सेना पर गंभीर आरोप लगाने से एक दिन पहले महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा था। मुफ्ती ने उस दौरान क्या कुछ कहा था जरा वो भी सुनिए। कश्मीर से आए हैं मैं और उमर साहब, और जो मुल्क के अंदर हो रहा है जिस तरह से हमारी डेमोक्रेसी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे सेक्युलरिज्म पे अटैक हो रहा है उसकी लेबोरेटरी हमारा जम्मू कश्मीर बन चुका है। शुरुआत हमारे जम्मू कश्मीर से हुई और अब पूरे मुल्क में वही हो रहा है जो हमारे साथ हुआ। मगर हम इस आइडिया ऑफ इंडिया जो है, जिस गांधी के मुल्क, जिस जवाहरलाल नेहरू के मुल्क के साथ हमने हाथ मिलाया है जम्मू कश्मीर में, वो आइडिया ऑफ इंडिया है, वो जहां गंगा जमुना तहजीब है। तो आज जब हम देख रहे हैं कि जिस तरह मुल्क के अंदर लोगों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, खासकर जो माइनॉरिटीज है, जिस तरह डेमोक्रेसी को अंडरमाइन किया जा रहा है, तो उसके लिए हम सब इकट्ठे हो गए। और हमारे पास तो ज़्यादा ताकत नहीं है, जम्मू कश्मीर में 5-6 सीटें हैं, पर हम समझते हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया का जितना सपोर्टरी और वोटरी जम्मू कश्मीर है शायद कोई ऐसा नहीं होगा। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क बनने नहीं देंगे। थैंक यू सो मच। आपने पूरा बयान महबूबा मुफ्ती का सुना, आपने वो ट्वीट भी देखा जिसमें वो सेना पर आरोप लगाते दिखाई दे रही हैं कि सेना मुस्लिमों से जबरदस्ती मस्जिद में घुसकर जय श्री राम के नारे लगवा रही है। हालांकि सेना वो संगठन है हमारे देश की, वो वीर जवान है, जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक दूसरे से बराबरी में रहते हैं और सब एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर बॉर्डर पर हमारी जान माल की सुरक्षा के लिए दुश्मनों से लड़ाई करते हैं। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि सेना के ऊपर यह आरोप लगाने से पहले महबूबा मुफ्ती को क्या ये समझ में नहीं आया कि वही सेना है जिसके दम पर महबूबा मुफ्ती कश्मीर में अपनी प्रोपेगेंडा चलाती है, जिसके दम पर महबूबा मुफ्ती टेररिस्टों के लिए रोती हैं, मगरमच्छ वाले आंसू बहाती हैं। इस बीच सेना पर यह आरोप महबूबा मुफ्ती के द्वारा साफ साफ ये जग जाहिर कर रहा है कि ये जो विपक्षी बैठक, जो महाबैठक हुई है, उस महाबैठक में तमाम जो विपक्षी पार्टियां आई हैं सब अपने अपने प्रोपेगेंडे के तहत आई हैं। जैसे कि एक तरफ केजरीवाल हैं जो केंद्र के अध्यादेश को वापस लेने के लिए मोर्चा खोले हुए हैं,
तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं जो कि आगामी 2024 चुनाव में प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, और तीसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो लगातार 50 सालों तक हमारे देश में राज की है, और उसके राज करने के दौरान क्या कुछ हुआ जनता सब कुछ जान गई है। अब आ गई है महबूबा मुफ्ती। ऐसे में इन तमाम लोगों के दल का एक साथ होना और इनके बयानों से एक बात साफ जाहिर हो जा रही है कि मोदी विरोध में ये लोग राष्ट्र विरोध के कदम पर चलने लग गए। मोदी विरोध में ये लोग देश की सेना और देश के कानून को विरोध कर रहे हैं और लगातार ऐसी कोशिश कर रहे हैं जिससे कानून में ये अपने तहत, अपने राज के तहत और अपने परिवार के लिए कानून बना पाएं, ना कि देश के जनता की सुरक्षा के लिए। ए न्यूज़ टुडे से विश्वेश तिवारी की रिपोर्ट।